सरकार पे बार बार हमला कर रहे हैं, तो सरकार में यानी कि पूर्व मंत्री में आप भी थे, तो आपका एक 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 दो दो कार्य बताइए ताकि हमारे आदिवासियों के हित में था। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची धुमकुड़िया में हैं और 5 मार्च को लेकर जोरदार तैयारी चल रहा। अभी तैयारी को लेकर ही बैठक हुआ, अभी क्या बैठक हुआ, क्या चर्चा हुआ, हम लोग इस पर संवाद करेंगे। तो हम लोग अभी है पूर्व मंत्री देव कुमार दान है जो कि झारखंड सरकार में रह चुके हैं। तो सर, आप लोगों का आगामी 5 मार्च को किस प्रकार का तैयारी को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा 5 मार्च को जो है हम लोग आदिवासी बचाव महारैली का आयोजन किए हैं। इसमें झारखंड के जितने भी समुदाय हैं, करीब जो 32 समुदाय पहले से रहे हैं, उस तमाम समुदाय के जो संगठन हैं, उस तमाम संगठनों का ये साझा मंच है। और इसमें खास रूप से जो आदिवासियत की जो रक्षा की बात है, आदिवासियत का जो सवाल है, उसी पर हम लोग मुख्य रूप से रैली का आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बहुत सारे जो समुदाय है, जाति है, जो आदिवासी बनना चाह रहा है और आदिवासी बन के उसका जमीन, उसका जो है पंचायती राज का आरक्षण, MLA MP का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, तमाम चीज़ों का, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बहुत सारी चीज़ जो आदिवासी संबंधित है, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग लूटना चाह रहा है, उसके खिलाफ मूल रूप से ये रैली है। ठीक है, तो ये जो रैली है तो आगामी 5 मार्च को होने वाला है, तो आप लोग इसको लेकर कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? देखिए, इसको लेकर हम लोग कोल्हान में भी बैठक कर चुके हैं, जमशेदपुर में भी हम लोगों ने बैठक कर चुका है, और यहाँ धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, आपको गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, आपको लोहरदगा, हमारे खूंटी, ये बहुत सारे जिले पूरे झारखंड से ही लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से देखा जाता है कि एक आदिवासी समाज अब ऐसे, मतलब उनको उनको किस प्रकार का तैयारी, उधर भी मीटिंग चल रहा कि आप लोग वहां से लेके किस प्रकार से आएंगे, ये हमारे आदिवासियों को पता चले? देखिए, इसमें मूल रूप से चूंकि ये आदिवासी का अस्तित्व का लड़ाई है, तो हम लोगों को खुद ही प्रेरित कर रहे हैं कि ये लड़ाई आम जनता, आदिवासी समाज को खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने खर्च पर, अपने गांव-गांव में चंदा कर आपको इस रैली में भाग लेना है। इस तरह का हम लोग जो है लोगों से आह्वान कर रहे हैं, चूंकि अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। चूंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जरूर पैसा लगाती है, तो वो अपने फायदे के लिए लगाती है। हमारे जो सवालों को, जो आप देख रहे हैं 22 साल हो गया राज बने हुए, लेकिन कोई भी सवाल का, कोई भी जिस भावना के लिए झारखंड राज का निर्माण किया गया था, उस भावना के अनुकूल एक भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई ये लड़ाई है, इसको खुद आपको लड़ना पड़ेगा। तो अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अभी भीड़ भीड़ कैसे आएगी, क्या कि कुछ दिन पहले एक रैली हुआ था जो रांची में, जो श्री चमरा लिंडा जी ने कराया था, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी हुआ था, उन्होंने भी जो आप लोग मुद्दा रखे हैं, सेम मुद्दा उनके पास भी था, उन पर टीका टिप्पणी हुआ। अभी बात ये होगा कि आप लोगों का किस प्रकार का रैली ये रहेगा कि आप लोग वो उसमें बोला गया था कि धनबल का प्रयोग होगा, आपने करके हम लोग स्वच्छता से लोग आएंगे, तो स्वच्छता से लोग लोग आएंगे तो वो लोग को, हमारे आदिवासी को क्या क्या हानि होगा, यानी कि कुड़मी के इतना सारा 10 जनजाति जो आदिवासी बने, वो लोग आदिवासी बने, फिर अभी कुड़मी जो बन रहे हैं, तो कुड़मी आप लोगों का आदिवासी बनने के बाद क्या क्या आप लोगों को हानि होगा कि आदिवासी को डर लग रहा है कि आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा? देखिए, ये जैसे कुड़मी जो समुदाय है, ये लोग मुख्य रूप से पहले ही क्षत्रिय महासभा में ये लोग बड़ा जात बनने के लिए ये लोग शामिल हो चुका है, जनेऊ धारण कर चुका है, और इनका जो है शिवाजी, इनको वो लोग आदर्श मानते हैं। तो
ये तो मैंने पहले से ही शुरू से ही हम बड़ा जात रहेंगे इस लाइन पर उन्होंने चला और उस लाइन पर उन्होंने अपना आगे बढ़ा। लेकिन आज अचानक ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं, तो आदिवासी बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कि आदिवासियों के पास जमीन है, सीएनटेक कानून है, तो सीएनटेक कानून है तो वो जमीन हमारा नहीं ले सकता है। लेकिन अगर वो एसटी बन जाएगा तो सारा जमीन जो है वो आसानी से हमारा जमीन को लूट लेगा। मतलब पहला खतरा आपको जमीन दिखा। हाँ, निश्चित रूप से। जो कि देखिए, जमीन के लिए अगर आप तिलका मांझी से लेकर कोल विद्रोह में आप वीर बुद्ध भगत देखिए, फिर आपको सिद्धू कानू का आंदोलन देखिए, फिर आपको जो है पोटोहो का आंदोलन देखिए, नीलंबर पिता, सारे लोग जमीन के लिए लड़ा है। और इसी तभी आज सीएनटी कानून और एसपीटी एक्ट कानून बना है, तब आदिवासी के पास जमीन है। तो जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जमीन को लूटना चाहते हैं। दूसरा जो है आरक्षण, जैसे मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, है ना, उसके बाद नौकरी में सारे नौकरी को वो ले लेंगे, और आपका जो है गैस एजेंसी आदिवासी को मिलता है वो ले लेंगे, पेट्रोल पंप ले लेंगे, बैंक से लोन, सारा सुविधा को वो लोग कब्जा कर लेगा और आदिवासी हाशिए पर चल जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आदिवासियों का खतरा है, वो आदिवासी एक वार्ड मेंबर तक नहीं बन पाएगा। आपने तो खतरा बता दिया, बहुत अच्छी बात है। और एक कुर्मी यानी कि मातो समुदाय ने बोल रहे थे कि अगर मान लिया जाए कि आदिवासी का सीट अभी 28 सीट है, अगर मान लिया जाए मातो समुदाय भी अगर आदिवासी बन जाते हैं तो आपका झारखंड में कम से कम फिर वो लोगों का एड हो जाएगा, कम से कम 10 से 15-20 जो भी सीट एड हो जाएगा, हमारे 20 ही एड हो गया, तो आपका 28 ऑलरेडी है, उनका 20 एड हो जाएगा, तो आपका तो ऐसे ही सरकार बन जाएगा, आदिवासियों का सरकार। तो ये वो लोग कह रहे थे। देखिए, अभी कुर्मी लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि 22 साल में 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, तो उनसे तो कोई भला होने वाला नहीं है। तो ये आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासी का कैसे भला होगा? वो तो बने मूल रूप से वो आदिवासी को खाने के लिए आ रहे हैं, उसका अस्तित्व को मिटाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो खा के मोटा जाएंगे और सब आदिवासी जितने जो ओरिजिनल आदिवासी हैं उनका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा, ये खतरा है। इसलिए वो सब जो है लोग दिखा रहे हैं सब्ज बाग, वो उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। मतलब आप जिस प्रकार से बहुमत वाला सरकार आदिवासियों का बनेगा, इस ये मतलब ये ट्रैक में आप फंसने वाले नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये देखिए, ये जो है ये तार्किक नहीं है, ये लोग जो है आपको केवल हम लोग को सेंटीमेंट में लेके बेकूफ बनाने का जो है ये प्रयास किया जा रहा है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। माने अब आप ही बताइए ना कि जो है बकरी का रक्षा कोई बाघ करेगा क्या, दूध का रक्षा कोई बिल्ली करेगा, है ये संभव नहीं है। ये तो अभी जो है ना तैयारी, आपने बहुत सारे जगह बताया, तो एक बात समाज को फिर से आप ये कह दीजिए कि आपका मतलब उन लोगों को कह दीजिए, हम लोग तो संवाद कर रहे हैं वही लोगों के लिए संवाद कर रहे हैं, कि उन लोगों को इस तरह आपका वर्ड आना चाहिए ताकि वो स्वच्छ ही आ सके आपका कार्यक्रम में। यही है। देखिए भाई, आदिवासी समुदाय के तमाम संगठन के लोगों से, आम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था और इसमें बहुत सारी कुर्बानी दी गई थी, लेकिन आज जमीन का सवाल है, सदा कागज में आदिवासी का जमीन सीएनटी कानून रहने के बाद भी लूटा जा रहा है, बहुत सारे जो नौकरी है अनुबंध के आधार पर जो बाहरी लोगों को सरकार दे रही है और यहाँ के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है कोर्ट फीस 10,000 से जो 3,00,000 कर दिए हैं, जो जमीन लूटने के लिए माफिया लोग को, टीएसपी के जो पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है, जो आदिवासियों के लिए शिक्षा और उसका आर्थिक विकास पर होना चाहिए, तो फ्लाईओवर में लगा रहा है, तो रिंग रोड में लगा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों का सवाल है, जो एमएसपी उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, धर्म
कोलम का मुद्दे हैं, भाषा के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में नहीं है, न चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं, अपना अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो आपने चंदा करके आपको इस महारैली में आपको आना पड़ेगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध हम लोग कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप से गांव-गांव में लोगों को जागरूक करिए और चंदा करके इस महारैली में, आदिवासी बचाओ महारैली में आप लोग आइए। हम लोग आप सरकार पे बार बार हमला कर रहे हैं, तो सरकार में यानी कि पूर्व मंत्री में आप भी थे, तो आपका एक एक, एक दो दो कार्य बताइए ताकि हमारे आदिवासियों के हित में था। देखिए, हम लोग तो हमेशा झारखंड में विपक्ष में रहे। हम लोग चूंकि विपक्ष जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, तो हम लोग झारखंड में जब राज बना तो हम लोग निश्चित रूप से, हम लोग पहला जब हम मंत्री थे बिहार सरकार में और झारखंड राज्य अलग हुआ, बिहार सरकार मंत्री, हाँ बिहार सरकार में हम मंत्री थे, और हम लोग ने पहला नारा दिया था कि मूल झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान और बिहार क्लब से हम लोग ने शुरू किया था। उसका मूल अर्थ ये था कि झारखंड राज्य जो बना है तो यहाँ के जो 32 के खतियान, जो लास्ट सर्वे ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम है, उसको यहाँ के अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और यहाँ के आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये हमारा मूल भावना था। माने ऐसा नहीं कि जो चूंकि 1982 में ये कानून बना था सर्वदलीय कि लास्ट सर्वे और रिकॉर्ड में जिसका नाम है वही झारखंडी होगा और यहाँ का थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी जो है उसी को मिलेगा। हम लोग थर्ड और फोर्थ ग्रेड ही नौकरी हमारा वो उसी को क्यों मिलना चाहिए, ए ग्रेड बी ग्रेड क्यों नहीं? नहीं मैंने देखिए, नहीं समझना हमको ये आ रहा था, ये इसको आप स्पष्ट करें। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर का नहीं चाहते हैं। अच्छा। देखिए, लेकिन नीचे का कम से कम ये तो एकदम 100% सुनिश्चित हो जाए, 100% सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ के लोगों को, मैंने अगर यहाँ में देखिए, टीचर नहीं बन सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है, क्लर्क नहीं बन सकता है, चपरासी नहीं बन सकता है, तो फिर इस राज्य के बनाने का क्या माने मतलब था? तो इसलिए वो 100% जो है थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का जो है आरक्षण यहाँ के लोगों को हो, ये हम लोगों का भावना है। उससे ऊपर भी जो हमारा है टू ग्रेड का, वो भी वैसा व्यवस्था सरकार करे कि यहाँ के जो खतियानी है और आदिवासी है उसी को मिले, वो भी जिस तरह से दूसरे राज्यों में प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान नहीं बना पाई यहाँ की सरकार। ठीक है, तो आपने बिहार सरकार में मतलब मंत्री थे, अभी झारखंड सरकार में आप मंत्री नहीं थे, तो चलो अच्छा बात है। आपने जो मुद्दा उठाया वो जो भी हमारे जनता है वो सुन लिए होंगे, और अंतिम शब्दों में बस उसी रैली को लेकर के आप एक आमंत्रण कर रहे हैं, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो हम पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय से और बंगाल के जो आदिवासी समुदाय हैं और उड़ीसा के जो आदिवासी समुदाय हैं, तमाम लोगों को हम इस आदिवासी बचाव महारैली में आमंत्रित करते हैं और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने का ये लड़ाई में आप तमाम आदिवासी एक एक आदिवासी भागीदारी बने और जो है हम लोग अपना आदिवासियत को बचाएं। जरूर आप 5 मार्च का महारैली में रांची का मोराबादी मैदान जरूर आए। हम लोगों ने संवाद किया पूर्व मंत्री देव कुमार दान जो कि बिहार सरकार के समय में थे, और जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा कि उस सवाल तो उनसे भी करना पड़ा, कहा कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट रूप से कहा आगामी 5 मार्च को जो ये इस मोराबादी मैदान में जो आदिवासी बचाओ महारैली होगी उसमें इसका आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अभी जो जो बातें बोला सब जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे ओर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, विभिन्न लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, और हमारा
काम है कि लोगों का संवाद कराना और इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना, चाहे पक्ष हो या विपक्ष या किसी हर तरफ का कवर आप लोगों को पहुंचाना। तो फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आने वाला जो वीडियो आप लोगों के पास विभिन्न तरह का वीडियो आते रहेगा पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज को देखने के लिए। पुनः हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार।